नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। हजारों करोड़ के ड्रग्स रैकेट में किस मुद्दे पर सुनवाई हो यह तय करेगा कोर्ट। वीरवार को सभी पक्षों से मांगी सिनॉप्सिस। मौत के 16 माह बाद हुआ हत्या का मामला दर्ज, पुलिस ने बनाई थी सुसाइड की थ्योरी। और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने माता मनसा देवी से लिया आशीर्वाद। और अब खबरें विस्तार से। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहे विवादित हजारों करोड़ के ड्रग्स रैकेट मामले में बुधवार को सुनवाई की गई। जस्टिस एजे मसी और जस्टिस अशोक वर्मा की बेंच के समक्ष इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। दोपहर बाद हुई इस सुनवाई में कोर्ट ने पहले यह सुनिश्चित किए जाने की बात कही कि आखिर इस मामले में किस मुद्दे पर पहले सुनवाई की जाए, जिसके बाद सभी पक्षों को इस मामले में वीरवार तक सिनॉप्सिस जमा करवाने के लिए कह दिया गया है, ताकि किसी एक विषय को लेकर सुनवाई आगे बढ़ सके। आपको बता दें कि इस मामले में केंद्र की ओर से कोर्ट को कहा गया है कि अगर ईडी की रिपोर्ट इस मामले में शामिल होनी चाहिए तो वह देने के लिए तैयार है। वहीं पंजाब सरकार और एडवोकेट नवकिरण सिंह ने एक बार फिर कोर्ट के समक्ष दोहराया कि इस मामले में एसआईटी द्वारा दाखिल की गई सीलबंद रिपोर्ट को खोला जाए, लेकिन कोर्ट ने अभी इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं नवजोत सिद्धू ने सुबह सवेरे इस मामले में ट्विटर कर एक और विवाद खड़ा कर दिया। दिवंगत पुत्र को इंसाफ दिलाने के लिए चंडीगढ़ बुलैल जेल के वार्डन के परिवार ने चंडीगढ़ पुलिस को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस परिवार की अपील पर चंडीगढ़ की एक अदालत ने सेक्टर 17 के एसएचओ को उनके बेटे की मौत के मामले में हत्या का मामला दर्ज जांच शुरू किए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि जून 2020 में एक युवक सेक्टर 22 की एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर अचानक मृत मिला था। पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या का मामला करार दिया था, जिसके बाद मामला रोक दिया गया था। मृतक के परिजन जिला अदालत चले गए थे, जहां कोर्ट ने पुलिस को यह आदेश दिए हैं कि हत्या का मामला दर्ज कर मामले की छानबीन की जाए। जवान पुत्र की हत्या, नाइंसाफी और जांच में की गई लीपापोती की यह कहानी चंडीगढ़ बुलैल जेल के वार्डन नरेश कुमार पिंटा राणा के परिवार की है। राणा के परिवार ने चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारियों पर अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाया है। राणा के पुत्र 21 वर्षीय विशाल का मृत शरीर 2 जून 2020 को सेक्टर 22 के मकान नंबर 745 से बरामद किया गया था। पुलिस ने विशाल की मौत को एक हादसा बताकर इसे आत्महत्या का रूप दे दिया था, लेकिन बाद में कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों के बाद कोर्ट ने भी माना कि हो सकता है कि इस मामले में पुलिस की थ्योरी गलत हो, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मृतक विशाल सेक्टर 22 के मकान नंबर 745 की तीसरी मंजिल पर अपने दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ था, लेकिन अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और विशाल डर के मारे बाहर निकल गया था, लेकिन बाद में बाथरूम के बाहर पुलिस को खून के निशान मिले थे और कई संदिग्ध चीजें मिली थी जो यह दर्शा रही थी कि विशाल ने जंप नहीं किया बल्कि उसकी हत्या की गई है। आपको बता दें कि इसी मामले में एक दिन पहले एकांत नाम के एक युवक के पिता पुरुषोत्तम ने भी विशाल को फोन किया था, जिससे कि विशाल ने पैसे उधार लिए थे। परिजनों का कहना है कि एकांत और उसके पिता पुरुषोत्तम की शह पर ही उनके बेटे की हत्या की गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए। अब पुलिस ने इस मामले की जांच फिर से शुरू कर दी है, जिसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली है। बुधवार को एक बार फिर पीजीआई डायरेक्टर ऑफिस के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पीजीआई में काम करने वाले हॉस्पिटल अटेंडेंट और सफाई कर्मचारी शामिल थे, जिन्होंने सैलरी समय से ना मिलने पर एक बार फिर प्रदर्शन किया है और इस दौरान उन्होंने डायरेक्टर ऑफिस के बाहर जोरदार नारेबाजी भी की। पीजीआई में करीब 2000 हॉस्पिटल अटेंडेंट है, जिनका कहना है कि जब से वीवीजी कंपनी आई है तब से उनकी सैलरी समय से नहीं मिल रही और पीजीआई प्रशासन भी उनकी मदद नहीं कर रहा।
बुधवार को एक बार फिर चंडीगढ़ पीजीआई डायरेक्टर ऑफिस के बाहर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पीजीआई में काम करने वाली हॉस्पिटल अटेंडेंट और सफाई कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी पीजीआई कर्मियों ने सैलरी समय से न मिलने को लेकर ये प्रदर्शन किया और काम का बहिष्कार किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब से बीवीजी कंपनी आई है तब से उनकी सैलरी कभी समय से नहीं आई और इसको लेकर उनके द्वारा बीते शुक्रवार को भी प्रदर्शन किया गया था। उस दिन आश्वासन दिया गया था कि उनकी सैलरी समय से आएगी, बावजूद इसके उनका वेतन समय से नहीं आया है। कर्मचारियों की मांग थी कि उनका अप्रैल से डीसी रेट पेंडिंग है और उन्हें डीसी रेट के तहत सैलरी दी जाए। प्रदर्शनकारी पीजीआई कर्मचारियों का कहना था कि हर बार उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है। सर, ये हमारा करीब 1.5-2 साल से हो गया है, खासकर हॉस्पिटल अटेंडेंट का, जो सैलरी टाइम से नहीं आती, जबकि टेंडर में लिखा है 7 तारीख के दिन में, लेकिन कभी 7 को आज तक नहीं आएगा। खासकर जब से बीवीजी कंपनी ने टेंडर लिया है हॉस्पिटल अटेंडेंट का, यानी कि एचए का, तब से सैलरी कभी टाइम पे नहीं आई। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी सैलरी की होती है कि आज तक हमें समझ में भी नहीं आया कि इनकी समस्या क्या है। शनिवार को हमारी एक बात हुई थी, शनिवार को हम बाहर निकले थे तो बात हुई थी कि हम सोमवार में डाल देंगे। पीजे प्रशासन ने वादा किया था कि हम पीपी तोड़ देंगे, इनकी सिक्योरिटी वगैरह जो भी है तोड़ के हम डाल देंगे, लेकिन आज तक किसी ने डाली, फिर हमें मजबूर होकर आज फिर बाहर निकलना, ये हमारी मजबूरी है। सर, ये 969 अपने फिक्स हैं और 124 रिजर्व है, बाकी जो अलग रिजर्व है वो अलग है। और एच ए भी, ये एस ए जो है 1095 फिक्स है, 300 कर भी रिजर्व, मतलब 3000 एम्प्लॉइज से 3000 है। ये कि हमारी टाइम से सैलरी नहीं आती है, ठीक है, 2 साल हो गए हैं, कोविड ड्यूटी इन्होंने हमसे कराई है, उस बीच में वो भी हमने इतनी टफ ड्यूटी करी है, 15-15, 16-16 ड्यूटी करी है सभी वर्कर ने, और पूरी एन अच्छे से इनको टाइम दिया अपना पूरा पीजीआई को, और उसके बावजूद भी ये लोग हमें इतना कर रहे हैं कि मतलब सैलरी टाइम से नहीं डाल रहे बिल्कुल भी। हर तरीके से पेट्रोल का रेट देखो कितना बढ़ रहा है ना, और हमारी सैलरी टाइम से नहीं आती है। हमारे बच्चों के खर्चे हैं, हमारे किराए पे घर हैं, दूध भी, बिजली के बिल, सब तरह के खर्चे हैं, तो ये लोग टाइम से सैलरी भी नहीं डालते, और वैसे भी हमें कितने टाइम से आ रही है प्रॉब्लम? ये 2 साल से आ रही है प्रॉब्लम, 2 साल से प्रॉब्लम। प्रदर्शनकारी पीजीआई कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वे अपना प्रदर्शन और तेज कर देंगे। ऐसे में देखना होगा कि मामले में पीजीआई प्रशासन क्या रुख अपनाता है। पंजाब के सिटी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव उन वीरों को याद कराना चाहता है जो जन प्रकाश में नहीं ला पाए थे। 23 जनवरी से 15 अगस्त के बीच में हर जिले में एक कार्य संपन्न होगा। इसकी जानकारी अब प्रकाश धनखड़ ने आज पंचकुला में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए दी। ये हमारी ये प्रांतीय परिषद 3 चीजों को समर्पित है, 3 कामों को समर्पित है। इसमें पहला काम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस अमृत महोत्सव में हम हरियाणा के उन तमाम अनाम वीरों को याद करना चाहते हैं जो जन प्रकाश में नहीं आ पाए थे। हमने अपने सभी मोर्चों को उसके निमित्त कार्यक्रम दिए हैं। हमारी पार्टी भी हर जिले में उस जिले के योगदान को लेकर संगोष्ठी और जो चित्रात्मक चीज़ें उपलब्ध होंगी उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाने का काम भी 23 जनवरी से लेकर 15 अगस्त के बीच में अपने अपने समय अनुकूल, जिसको जब उस बारे में जितना चीज़ें उपलब्ध होंगी उस हिसाब से हर जिले में एक कार्यक्रम संपन्न होगा। इसी तरह से हमने महिला मोर्चा को महिलाओं के योगदान के लिए, पिछड़े वर्ग को पिछड़े भाइयों के योगदान के लिए, अनुसूचित जाति मोर्चा को अनुसूचित जाति मोर्चे के योगदान के लिए, किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में जो योगदान रहा, 115 गांव तो जला दिए गए थे 1857 में, ऐसे सब गांव में कार्यक्रम करने का आग्रह किया है। 7500 स्थानों पर 75-75 लोग इकट्ठे होकर, क्योंकि ये 75वां साल है,
इस कारण से हर गांव हर वार्ड एक तरह से इसमें आ जाएगा और एक निश्चित समय पर हम कौमी तराना जो आजाद हिंद फौज का तराना था और वंदे मातरम का गायन करेंगे। मैंने एक घोषणा भी की है कि जिन परिवारों से लोग काला पानी की जेल में गए थे उनके परिवार का कोई एक सदस्य अगर काला पानी की यात्रा करना चाहता है तो हम उसकी व्यवस्था में करेंगे, उसके सहयोगी बनेंगे। वो सब अपने उन बुजुर्गों को याद कर सकें जिन्होंने वहाँ असहनीय पीड़ाएं, क्योंकि वो जेल देखकर ध्यान में आता है कि कैसे कोहलू चलवाया जाता था, कैसे कोड़े लगाए जाते थे, उनको जाके उस भाव भावना को महसूस कर सके। त्रिदेव सम्मेलन इसका दूसरा हमारा हेतु है। त्रिदेव का गठन, त्रिदेव की कार्यशालाएं और त्रिदेव के माध्यम से हर बूथ तक पार्टी के संगठन को विचारधारा के आधार पर खड़ा करना, हमने ये काम शुरू कर दिया है। हमारी 22 विधानसभाओं के त्रिदेव कार्यशाला हो गई हैं। कुल 60,000 त्रिदेव एक तरह से नियुक्त होने हैं, 30,000 हमारे पोर्टल पर आ गए हैं। इस काम को हम पूरा करेंगे अक्टूबर में और उसके बाद अटल जी के जन्मदिन तक हम अपनी बूथ समितियां बनाएंगे और 6 अप्रैल तक पन्ना समिति के साथ विचारधारा के साथ एक ऐसा कैडर खड़ा करें। ये दूसरा लक्ष्य हमने अपनी आज की इस प्रांतीय परिषद में अपने कार्यकर्ता टोली के सामने रखा है, जिसको लेकर हम बढ़ेंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद सांगवान ने एक बेल मामले में बहुत ही अहम आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों में अब पहले पुलिस को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लीगल से राय लेनी होगी, जिसके बाद ही एफआई दर्ज होगी। इससे पहले एससी एसटी एक्ट को आधार बनाकर कई एनजीओ लोगों पर मामले दर्ज करवाते आए हैं, लेकिन बाद में यह आपसी रंजिश का ही मामले सामने आते हैं। एक बेल मामले में अरविंद सांगवान ने पंजाब के डीजीपी को भी आदेश दिए हैं कि वो सभी डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी को आदेश जारी करें कि एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज होने वाली एफआई से पहले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी लीगल से राय जरूर लें। अश्विन नवरात्रि का आज 8वां दिन है, जहां सभी भक्तजन अष्टमी पूजन कर कन्याओं को पूज रहे थे। वहीं पंचकुला के एमडीसी में स्थित माता मनसा देवी मंदिर में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपने परिवार के साथ पहुंचे और माता मनसा देवी का आशीर्वाद लिया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नवरात्र में माता मनसा देवी दरबार में आकर पूजा अर्चना करना उनके सौभाग्य की बात है। इलाहाबाद उपचुनाव पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दोनों पार्टियां साथ रहकर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद में भी पार्टी जीत जरूर दर्ज करेगी। देश भर में आज अष्टमी की धूम है, सभी भक्तजन अष्टमी पूजन कर कन्याओं को पूज रहे हैं। वहीं इस मौके पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने परिवार सहित माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेका। दुष्यंत चौटाला, उनके पिता अजय चौटाला और नैना चौटाला ने हवन यज्ञ किया और माता मनसा देवी से प्रदेश के खुशहाली के लिए कामना की। मीडिया से बातचीत के दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस दशहरे पर जनता को महंगाई के रावण से निजात मिलेगी, तो वहीं उन्होंने इलाहाबाद उपचुनाव पर दोनों पार्टियों के साथ रहकर चुनाव लड़ने की बात कही। साथ ही आज की होने वाली प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक को लेकर दुष्यंत चौटाला ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जिस तरीके से हर वर्ष मनसा देवी माता के पावन प्रांगण में नवरात्रों के इस पावन पर्व को हम मनाते हैं, मैं तो सौभाग्य मानता हूं कि मुझे इस पावन दिवस पर दर्शन करने का मौका मिला। और मैं तो ऊपरवाले से यही दुआ करता हूं कि माता रानी सभी को इसी तरीके से अपना आशीष बरसती रहे और प्रगति के पथ पर तमाम देशवासी।
सर, जनता आज के टाइम में सरकार की तरफ देख रही है, महंगाई का रावण बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है, इस पे सरकार क्या करेगी? जल्द दशहरा आ रहा है और हम उम्मीद रखते हैं दशहरे पे जो महंगाई का रावण है उससे भी देश को निजात। ऐलनाबाद का उपचुनाव भी है और बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है? दोनों पार्टियां मिलकर मजबूती से उस सीट को जीते और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी आज है। प्रदेश कार्यकारिणी क्योंकि नया संगठन बना है उसकी आज बैठक है और आगे कैसे संगठन का विस्तार एक्टिव मेंबर के बाद जनरल मेंबर्स की ओर हम लेकर जाएं उसके ऊपर अब मिलकर काम। इस मौके पर जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कार्यकारिणी की बैठक पर जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में ऐलनाबाद उपचुनाव, पार्टी संगठन और मेंबरशिप जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। वहीं उन्होंने ऐलनाबाद चुनाव के चलते विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है और सरकार का काम विकास करना और दोनों ही अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ऐलनाबाद चुनाव के सिलसिले में पार्टी के संगठन के लिए, मेंबरशिप के लिए कई इश्यूज हैं, उसको डिस्कशन करेंगे। कुछ एक दो तीन दिन से राजनीतिक है जो अपने आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उपचुनाव को लेकर, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया? अपोजिशन का काम आरोप प्रत्यारोप करना है, सरकार का काम विकास का काम करना है। अपने काम में लगे हुए, अपने काम में लगे हुए, देश की प्रगति और विकास हो, देश का विकास हो, कोरोना जैसी महामारी से हमें मुक्ति मिले, यही सब माँ से आशीर्वाद लेना है। हरियाणा में ऐलनाबाद का उपचुनाव भी है, इसके लिए कोई माननी की आपने? मैं कह रहा हूँ प्रदेश का विकास तो तभी संभव होगा जब वहाँ से हमें मदद मिलेगी। बहरहाल माता मनसा देवी के दरबार पहुँचे चौटाला परिवार ने प्रदेश के खुशहाली की कामना तो की, साथ ही ऐलनाबाद चुनावों के चलते जजपा की कार्यकारिणी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 58% रही। आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम साफ रहेगा, दिन में धूप खिली रहेगी और कुछ तापमान बढ़ सकता है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट आना तय है। ट्राई सिटी अपडेट में बस इतना ही। देश और विदेश की हर जानकारी और खबर के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए रमेश हांडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।